मीराबाई स्मारक। राजस्थान में नागौर जिले के मेड़ता में कृष्ण भक्त मीराबाई का स्मारक है, जहां मीराबाई के जीवन से जुड़ी घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। और पास में ही श्री चतुर्भुजनाथ जी का मंदिर भी है। स्मारक में प्रवेश शुल्क 10 रुपये है। मीराबाई एक प्रसिद्ध संत और श्री कृष्ण जी की अनन्य प्रेमिका थी। इस पूरे संसार में श्री कृष्ण प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप है और उनके प्रेम स्वरूप की सबसे बड़ी साधक है मीराबाई। अपने स्वयं के परिवार से आलोचना और शत्रुता भरा व्यवहार मिलने के बावजूद मीरा ने जीवन भर श्री कृष्ण की और संतों जैसा जीवन जिया। यही कारण है जब भी श्री कृष्ण प्रेम की बात आती है तो मीराबाई का नाम जरूर आता है। ये प्रेम ही तो है जिसने एक सामान्य स्त्री का नाम भगवान से जोड़ दिया। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में मेड़ता के दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। उनके पिता रतन सिंह एक छोटी राजपूत रियासत के शासक थे। मीरा जब मात्र 3 साल की थी तो एक साधु घूमते हुए उनके घर आए और उन्होंने उनके पिता को श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति दी। रतन सिंह ने वो मूर्ति आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार की, लेकिन उन्होंने मीराबाई को वो मूर्ति नहीं दी क्योंकि उनको लगता था कि ये मीराबाई को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन वो मूर्ति मीराबाई का मन मोह चुकी थी। उस दिन मीराबाई ने जब तक पिता से वह मूर्ति ना ली तब तक उन्होंने खाना नहीं खाया। श्री कृष्ण की उस मूर्ति से मीराबाई को इतना लगाव था कि वह हर समय उस मूर्ति को अपने प्राणों की तरह अपने साथ रखती थी। मन ही मन मीराबाई श्री कृष्ण के उस स्वरूप को अपना चुकी थी। उनके लिए अब श्री कृष्ण ही मित्र, पति और प्रेम थे। मीराबाई जब युवा हुई तो एक बार उनकी गली में बारात आई हुई थी। तो मीराबाई ने उत्सुकतावश अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा पति कौन है? माँ ने थोड़ा मजाक में बोलते हुए कहा कि तेरे पति तो खुद श्री कृष्ण है। इस बात का मीराबाई पर गहरा प्रभाव पड़ा। मीराबाई की माँ अपनी बेटी का समर्थन करती थी और मीराबाई के कृष्ण प्रेम का सम्मान भी करती थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई के पिता ने उनका विवाह राजकुमार भोजराज के साथ निश्चित किया। भोजराज चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के बाद मीराबाई रानी बनी, लेकिन उनको ये राजसी सुख सुविधा और वैभवशाली जीवन से कोई प्रेम नहीं था। उनके अंतर्मन में सिर्फ
श्री कृष्ण का वास था। मीरा अपने पति राजा भोज का सम्मान करती थी और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करती थी, लेकिन शाम को वह अपना पूरा समय श्री कृष्ण की भक्ति को देती थी, कृष्ण भजन में लीन रहती थी। मीराबाई के परिवार को उनका भक्ति और भजन में लीन रहना अच्छा नहीं लगता था और वे उनका सख्त विरोध भी करते थे। संत मीराबाई की प्रसिद्धि अब आसपास के क्षेत्रों में भी फैल चुकी थी। मीराबाई अब अपना काफ़ी समय साधु संगत में बिताया करती थी। उनकी ननद को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने मीराबाई पर कई लांछन भी लगाए और अपशब्द भी कहे, लेकिन मीरा का कृष्ण प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ा। जब वह भक्ति करने बैठती तो सारी दुनिया से अलग हो जाती थी और उनका सारा ध्यान श्री कृष्ण के हृदय में होता था। अलग हो जाती थी और उनका सारा ध्यान श्री कृष्ण के हृदय में होता था। मीराबाई की भक्ति और कृष्ण प्रेम की चर्चा पूरे उत्तर भारत में होने लगी थी। कहा जाता है कि जब मुगल सम्राट अकबर को यह बात पता चली तो उनको भी मीराबाई से मिलने की इच्छा हुई। अकबर खुद मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसने विभिन्न धर्मों को जानने की रुचि भी थी। लेकिन मीराबाई के परिवार और अकबर की आपस में दुश्मनी थी, इसलिए मीराबाई से मिलने की कोई संभावना नहीं थी। अकबर मीराबाई से इतना प्रभावित था कि वह वेश बदलकर भिखारी के वेश में मीराबाई से मिलने गया और उसने साधु संगत में बैठकर मीराबाई के प्रेम वचन और भजन सुने, तो वह इतना प्रभावित हुआ कि मीराबाई के चरणों में गिर पड़ा और एक बहुमूल्य हार मीराबाई को उपहार में दिया। दुर्भाग्यवश अकबर के आने की खबर मीराबाई के पति भोजराज तक पहुंच गई और उन्हें मीराबाई का अकबर से मिलना बहुत अनुचित लगा। इससे क्रोधित होकर भोजराज ने मीराबाई को नदी में डूबकर आत्महत्या करने की आज्ञा दी। बेचारी मीराबाई ने बिना कुछ बोले अपने पति की इस आज्ञा को स्वीकार किया। कहा जाता है कि जब मीराबाई नदी में डूबने जा रही थी तो खुद श्री कृष्ण ने उनको बचाया और राजमहल छोड़कर वृंदावन आकर भक्ति करने को कहा। तब मीराबाई कुछ भक्तों के साथ मिलकर वृंदावन चली गई। अब मीराबाई अपना पूरा समय
श्री कृष्ण भक्ति को देती थी। काफी समय बीतने के बाद भोजराज को एहसास हुआ कि उनकी पत्नी मीराबाई एक सच्ची संत है और उन्हें मीराबाई का सम्मान करना चाहिए था। यही सोचकर भोजराज जी वृंदावन आए और मीराबाई से वापस आने को कहा। तब मीराबाई उनकी बात मान गई और वापस वृंदावन से आ गई। इसके कुछ समय पश्चात मुगलों से एक युद्ध में उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद मीराबाई का जीवन बहुत ही दुष्कर हो गया। उनका पूरा परिवार मीराबाई का विरोध करता था। यहाँ तक कि उनके ससुर यानी राणा सांगा ने मीराबाई को अपने पति की चिता के साथ सती होने को कहा, लेकिन मीराबाई ने सती होने से साफ मना कर दिया। मीराबाई कहती थी, आप जो सजा दे स्वीकार है, पर मैं सती नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा असली पति तो श्री कृष्ण है और वो आज भी मेरे साथ है, फिर मैं सती कैसे हो सकती हूँ। मीराबाई पर दिन प्रतिदिन जुल्म बढ़ते चले जा रहे थे। कहा जाता है कि उनके परिवार ने दो बार उनको मारने का प्रयास किया, एक बार जहरीले सांपों से कटवाया और एक बार जहर पिलाया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। विष पीकर भी मीराबाई का कुछ नहीं बिगड़ा। ये कृष्ण प्रेम की ही शक्ति थी और इस घटना ने मीरा और कृष्ण प्रेम की गाथा को अमर बना दिया। मीराबाई का श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था और इधर उनके परिवार का जुल्म भी बढ़ता जा रहा था। अब मीराबाई के कहीं आने जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। किसी तरह मीराबाई फिर से साधु संगत के साथ वृंदावन आ गई। मीराबाई ने स्वयं को श्री कृष्ण की गोपी मान लिया था और कृष्ण प्रेम में सब कुछ भुला दिया। वो प्रेम में पागल हो गई थी। मीराबाई ने बहुत सारी कविताएं भी की और काफ़ी सारे भजन भी गाए। उनके भजन आज भी उत्तर भारत में गाए जाते हैं। कहां मीराबाई का जन्म एक राजकुमारी की तरह हुआ था, लेकिन उनका तो जन्म ही श्री कृष्ण भक्ति के लिए हुआ था। उन्होंने पूरा जीवन एक संत की तरह बिताया। मीराबाई की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि मीराबाई श्री कृष्ण के हृदय में समा गई थी। मीराबाई एक बार मंदिर में भक्ति में लीन थी, तभी श्री कृष्ण अवतरित हुए और मीराबाई उनके हृदय में समा गई। मीराबाई की भक्ति ने उन्हें सदा के लिए हमारे दिल में अमर बना दिया। सच कहूं
तो जब हम मीराबाई जैसी किसी महान संत के बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे दिल में पैदा होती है। ऐसे लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए। आपको मीराबाई का जीवन परिचय कैसा लगा ये बात आप हमें ज़रूर बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स लगा है जिसमें आप अपनी बात लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं, और कृपया अपना कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपके कमेंट ही हमें और अच्छा करने को प्रेरित करते हैं।